ध्येयस द्वारा शुरू की गई इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के टॉपिक में आज की महिला स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है रानी राशमुनि। 28 सितंबर 1793 को जन्मी लोकमाता रानी राशमुनि को उनकी देशभक्ति, परोपकारी कार्यों और महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। वे बंगाल के एक समृद्ध उद्यमी राजचंद्र दास की विधवा थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने बंगाल के जान बाजार क्षेत्र में पारिवारिक व्यवसाय की बागडोर संभाली, जिस वजह से वे उस समय की वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी महिला उद्यमी के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। अंग्रेजों द्वारा बंगाल हथियाने के पश्चात लगभग हर दूसरे दिन वे कंपनी का राजस्व बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढ के लाती। कुछ ऐसा ही तरीका था बंगाल के हिस्से में बहने वाली गंगा के घाटों पर मछली पकड़ने वाले गरीब मछुआरों से वसूला जाने वाला जल कर। जब मछुआरों को कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, तब वे अंततः रानी राशमुनि के पास अपनी शिकायत व पीड़ा लेकर पहुंचे। रानी ने कूटनीति अपनाते हुए गंगा की सहायक नदी हुगली के कुछ हिस्सों को 10,000 रुपए की रकम देकर इजारा समझौते के तहत हासिल कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत, जो राज्य और राज्यों का खजाना हड़पने के लालच में हर तरफ समझौते करने की होड़ में लगी थी, रानी राशमुनि के साथ समझौता कर अपने ही जाल में फंस चुकी थी। रानी ने अपने अधिकृत नदी के क्षेत्र को बांस और मोटी जंजीरों की सहायता से घेर लिया और फिर इसी क्षेत्र में मछुआरों से मछली पकड़ने को कहा। अब हुआ यूं कि रानी के इस कदम ने अंग्रेजी हुकूमत के व्यापारिक जहाजों के जलमार्गों में अवरोध उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने इस पर एतराज जताते हुए हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी करके रानी के घेरे गए हिस्से को फिर से खोला जाए, लेकिन जिस तरह अंग्रेज लगभग हर एक रियासत में अपने किसी भी समझौते के तहत अधिकार का हवाला देते थे, ठीक उसी प्रकार रानी ने भी अपने घेरे हुए क्षेत्र में इजारा के ही तहत व्यापारिक अधिकारों का हवाला दिया और साथ ही साथ यह भी तर्क रखा कि किस प्रकार ब्रिटिश व्यावसायिक स्टीमशिप चलने के कारण उनके क्षेत्र से मछलियां दूर चली जाती हैं। सकपकाए अंग्रेजों ने मजबूर होकर रानी राशमुनि के साथ दोबारा समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप मछुआरों से वसूला जाने वाला जलकर समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ गंगा में उनके आवागमन पर लगी रोक भी हटा दी गई। प्रख्यात बंगाली लेखक सामरेश बसु ने वर्ष 1974 में अपने उपन्यास गंगा में यह बात उजागर की है कि कैसे यहाँ के मछुआरों के लिए यह नदी हमेशा के लिए रानी राशमुनि जल बन गई। इसके अलावा रानी ने कलकत्ता के प्रसिद्ध भव्य मंदिरों में से एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर की भी स्थापना करवाई। ये मंदिर हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर उपस्थित है, लेकिन शूद्र जाति से होने के कारण मंदिर के लिए जमीन खरीदने से लेकर मंदिर बनवाने तक की राह रानी के लिए आसान नहीं थी। एक शूद्र विधवा पवित्र नदी के किनारे मंदिर बनवाना चाहती है। जैसे ही यह खबर हर तरफ फैली, वैसे ही उच्च जाति के जमींदारों ने सभी को यह निर्देश दिए कि कोई भी रानी को मंदिर के लिए जमीन नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद भी रानी राशमुनि ने हार नहीं मानी। मंदिर की भूमि का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़े ब्रिटिश फैक्ट्री कार्यालय से खरीदा गया और कुछ हिस्सा मुसलमानों से खरीदा गया, जिसमें एक तालाब, एक मजार और एक कब्रिस्तान भी शामिल थी। बाकी की जमीन हिंदुओं के गांव से खरीदी गई, जिनमें आम के बगीचे भी शामिल थे। और इस प्रकार 33 एकड़ की भूमि का प्रबंध करके रानी राशमुनि ने वहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना करवाई। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने को था, लेकिन अभी भी रानी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कलकत्ता के पुजारियों ने रानी द्वारा बनवाए गए मंदिर में पूजा अर्चना करने से अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसी समय एक गरीब ब्राह्मण विद्वान रामकुमार चट्टोपाध्याय का आगमन कलकत्ता में हुआ। रानी ने मंदिर की जमीन और मंदिर की देखरेख का दायित्व पुजारी के रूप में रामकुमार चट्टोपाध्याय को सौंप दिया, जिसके पश्चात वर्ष 1855 में मंदिर का उद्घाटन किया गया। रोचक तथ्यों पर अगर नजर डालें तो पुजारी रामकुमार चट्टोपाध्याय अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने साथ रहने के लिए कलकत्ता ले आए, लेकिन युवा रूढ़िवादी ब्राह्मण गदाधर ने रानी द्वारा बनवाए गए मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही गदाधर रानी राशमुनि के प्रति आध्यात्मिक रूप से जुड़ गए और कुछ वर्ष बाद ही गदाधर रामकृष्ण परमहंस नाम से एक महान रहस्यवादी संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
गौरतलब है कि अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता से अंग्रेजों को सबक सिखाने वाली तथा अनेकों परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध लोकमाता राशमुनि को लोग उनके प्रति अपना सम्मान व प्रेम प्रकट करने के लिए उन्हें रानी कहकर पुकारते हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।